की तरफ हम जो महिलाएं हैं लखपति दीदी की श्रेणी में आते हैं वही महिलाओं को बेरोजगार कर रही है सरकार। इसी सरकार का खोखलापन सीधा साफ नजर आ रहा है, जो कि साथी भाई बहन यहाँ पर कलेक्टर मैडम को हमारी तीन सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसे कि एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा कर रही और लखपति दीदी बना रही, उसी तरफ हम जो महिलाएं हैं लखपति दीदी की श्रेणी में आते हैं वही महिलाओं को बेरोजगार कर रही है सरकार। इसी सरकार का खोखलापन सीधा साफ नज़र आ रहा है, जो कि हमें बेरोजगार कर रही है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी हमारा निवेदन है कि हमारे अनुभव को काम में लेते हुए हमें परियोजना हित में हमारे जो अनुभव है उसको काम में लिया जाए और हमें रोजगार दिया जाए, हमें निम्न पदों पर नियुक्त किया जाए, यही सरकार से हमारा अनुरोध है। मेरा नाम रेखा चौधरी है और मैं अजमेर जिले में आरपीआरएफ के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के अंतर्गत जो हम क्लस्टर लेवल पर कार्यरत आरपीआरपी हैं, आज हमने मुख्यमंत्री साहब के नाम कलेक्टर साहब को कलेक्टर मैडम को ज्ञापन सौंपा है। हम जो आरपीआरपी जो क्लस्टर लेवल पे जो धरातल के लेवल पे काम कर रहे हैं, हम लोगों को एक मेल किया गया जिसमें बजट की कमी बताते हुए हम लोगों को हटाने का एक आदेश दिया था। उस आदेश को बड़े संघर्ष के बाद में 2 साल किए इन लोगों ने और अब 2 साल पूर्ण हो चुके हैं जहाँ राजस्थान से कई सारे जिलों से आरपीआरपी को हटाया जा रहा है और ये आरपीआरपी जो सरकार की जितनी भी योजनाएं आती है उन सबको धरातल लेवल पे लागू करने का काम करते हैं हम लोग और क्लस्टर के और सीधे समुदाय के संपर्क में नीचे धरातल पे संपर्क में सीधे और आज हम लोगों को हटाया जा रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब उनका सपना है कि लखपति दीदी बने और जिस लखपति दीदी के लिए करोड़ों का बजट दिया जा रहा है उन्हीं लखपति दीदियों की श्रेणी में हमारी ये जो दीदियाँ हैं वो आ रही है। आज ये लखपति बनने से पहले ही बेरोजगार हो रही है तो इनके लिए हमने हमारा जो एक मांग पत्र था 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज हमने दिया है कि अगर हमारी सेवाएं हैं उन सेवाएं को आप निरंतर रखें, नहीं हो तो अन्य पदों पर सृजित करते हुए हमारी सेवाएं ली जाए ताकि हम सब गरीब केडरों के साथ में न्याय हो सके। हम 2013 से कार्यरत हैं और आज इतने साल का अनुभव लेकर के हमारे को परियोजना से निकाला जा रहा है, हमारे अनुभव का परियोजना हित में काम लिया जाए ताकि हम सब लोगों का भला हो सके और सरकार जिस सोच से जिस मुहिम से करोड़ों का फंड जिन गरीब महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए दे रही है उसी समुदाय से हम लोग आ रहे हैं ताकि हम लोगों का भी भला हो सके, इस देश का भी भला हो सके। लगभग कितने लोग हैं आप लोग? 732 आरपीआरपी है पूरे राजस्थान में जिनको अब हटाने के लिए मुहिम चला दी गई है। अधिकतर जगह से 7-8 डिस्ट्रिक्ट से आरपीआरपी को हटा दिया गया। अब आगे क्या रहेगा? मांगे पूरी नहीं होती तो हम आगे अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारी जो दीदियाँ हैं वो भी यही कह रही है कि हम आपके सम्मान में चलने के लिए तैयार हैं और अगर हम लोगों को अगर जल्दी से हमारी सुनवाई नहीं कहेगी तो बहुत जल्द उग्र आंदोलन होगा और हम बड़े लेवल पे इस संगठन को मजबूत करते हुए बड़े लेवल पे इसका मतलब काम करेंगे। आज हम कलेक्टर मैडम को हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में हमारी 3 सूत्री मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री जी को भेजने के लिए कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया। हमारी मांगे एक तो है कि जिन ब्लॉक जो अभी डिस्ट्रिक्टों से आरपीआरपी को हटा दिया गया है उनको वापस ज्वाइनिंग दी जाए और जब तक हमारी स्क्रीनिंग नहीं होती है तब तक के लिए हमारे को यथावत रखने का आदेश भेजा जाए और हमारे को अन्य उचित पद जैसे डीएम के हो गए सीएलएम के हो गए अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दूसरे पदों पर सृजित करते हुए हम लोगों की सेवाएं ली जाए, हमारा जो अनुभव है वो परियोजना हित में काम आए। हमारी मैं भरत बारेट प्रदेश अध्यक्ष एनआरएलएम कार्मिक संगठन शाखा आरपीआरपी से हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अपने जो बजट दिया है अभी उस बजट में जो कमियाँ बताई कि जब बजट की कमी बता करके मेल की गई तो अन्य जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के जो कर्मचारी उनको इस प्रोजेक्ट में मर्ज किया गया तो फिर वो बजट कहाँ से आया? ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर के हम सवाल